कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर देखो, कंजर्वेटिव लिखा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर या जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करती हैं वहां पर ये रिलेशन वैलिड है, माइनस डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, ये आपने नोट किया, आपने फॉर्मूला रजिस्टर में भी नोट किया होगा और आपने अपनी थ्योरी में नोट किया। जैसे क्वेश्चन आएगा, मान लो आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के हिसाब से चेंज हो रही है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के हिसाब से चेंज हो रही है। आपको निकालना है फोर्स की वैल्यू, आपको कैलकुलेट करनी है जब एक्स की वैल्यू 1 मीटर है। ये क्वेश्चन है कि जब एक्स की वैल्यू 1 मीटर है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ फोर्स। तो मैंने बता दिया था एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, यू की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पुट कर लेना, एफ इज इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करके ये टर्म आएगी, फिर फाइनली एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लेना और आपके पास फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे एनर्जी से फोर्स बाहर आती है ये बात समझ में आती है। अब ये बात ना, क्योंकि लोग ना इमेजिन नहीं कर पाते इसे, वो कहते हैं ठीक है यार हमें कैलकुलस आता है सर, मेरे को यू देंगे मैं एफ निकाल दूंगा, बात खत्म। वो इमेजिन नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या है इसमें। अब मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है ये। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लग कैसे रही है और आप कैसे ग्रेविटी की फोर्स के साथ इसको कैसे लगा सकते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। तो इसमें आप ये देखें, इसमें आप ये देखें कि अगर मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट ऊपर ले गए, आप एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट ऊपर ले गए, ठीक है जी, तो आपने इसमें एनर्जी कितनी भर दी बताओ, ग्राउंड से ऊपर लेके गए, आप बोलेंगे एम जी एच, पुट आउट इसमें एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो किसी ने कहा कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है जिसके अगेंस्ट वर्क डन हुआ ये, मैंने कहा हाँ है। तो उसने कहा देखो सर, डी यू बाई डी एच, अब एच अब वेरिएबल कौन है इसमें, एक्स नहीं है वेरिएबल, इसमें एच है, तो माइनस डी यू बाई डी एच लगा मैं। जैसे ही उसने यहां पर मेरे से पोटेंशियल एनर्जी पूछी कैसे चेंज हो रही है, मैंने बोला एम जी एच, तो उसने एम और जी को तो निकाल लिया कॉमन, और डी एच बाई डी एच क्या होता है 1, तो फोर्स क्या आ गई माइनस एम जी, और आनी भी थी क्योंकि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एच में एफ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और हमें पता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएंगे तो ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है माइनस एम जी डाउनवर्ड्स, तो ये रिलेशन सही है। इससे समझ में आता है कि ये तो बहुत इजी एग्जांपल है जिसमें यू की वैल्यू, जो यू की वैल्यू है वो चेंज हो रही है कैसे, एच के साथ, एज अ फंक्शन ऑफ एच, और बहुत छोटा फंक्शन है। लेकिन कई बार कंजर्वेटिव फोर्सेस में यू बहुत बड़ा फंक्शन आ जाता है, अब वहां फोर्स कैसे निकले। तो अगर आपको उस कॉम्प्लेक्स कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको अगर यू पता हो, आप 1 मिनट में एफ निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक फोर्स एनर्जी का क्या रिलेशन है कंजर्वेटिव के अंदर, ये इसका मतलब है। कोई डाउट इसमें?